नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलिए, मैं बनाने जा रही हूँ आज जो मटर वाले छोले के साथ कुलचे खाते हैं ना, वही वाले कुलचे बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैदा लिया है मैंने आधा किलो और ये 2 चम्मच चीनी लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जो कि चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए। इसको मैं साइड में रख देती हूँ, तब तक और चीज़ें मैं डाल देती हूँ मैदा में। और ये देखिए, मैंने लगभग 1/4 चम्मच के करीब लिया है बेकिंग सोडा, और 1/2 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर, और इसमें लिया है 1/2 चम्मच नमक, ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन जो कि वैसे तो नहीं डालते लोग, लेकिन मैं डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा अजवाइन से, ये देखिए। और अब ये सारे सामान को जो भी डाला है वो मिक्स कर लेती हूँ मैं मैदा में अच्छे से। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो कुछ और भी, बटर भी डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड डाला है। और रिफाइंड डालने के बाद देखिए, इस तरीके से मैं मिला लेती हूँ। और ये देखिए, चीनी घुल चुकी है और वो चीनी मैं मैदा में डाल देती हूँ। और डाल देती हूँ ये लगभग 150 ग्राम की दही है, ये 150 ग्राम दही। और ये अच्छे से इसमें मिला लेती हूँ डालने के बाद, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं दही की कटोरी में ही पानी ले लिया है देखिए, और वो भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी, जो कि सूखा मैदा है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, ये देखिए। बहुत ही हल्के हाथों से गूंदना है इसको, ज़्यादा मसल के नहीं गूंदना है अभी, ये देखिए। और ना ही ज़्यादा टाइट गूंदना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है, हमें मीडियम ही रखना है इसको। तो चलिए, थोड़ा सा और मैं इसको, जो थोड़ी थोड़ी मैदा जो बची है साइड में, वो इकट्ठी कर लेती हूँ, ये देखिए। अब मैं इसको, ये देखिए गुन चुकी है, अब मैं इसको 1 घंटे के लिए ढक्कन रख के रख दूंगी। और ये 1 घंटे के बाद मैं ये मैदा देख लेती हूँ, ये देखिए हाथों में लगा लिया है मैंने रिफाइंड, और इसको अच्छे से थोड़ा सा एक बार और गूँद लेती हूँ, जो कि ये चिकनी हो जाएगी, ये देखिए। और अब मैं इसकी बना लूँगी लोइयाँ, लोई बना लूँगी। और कम से कम लोई बनाने के बाद, ये देखिए, एक ही साथ ही कम से कम 4-5 लोई का आटा मैं काट लेती हूँ इसमें से, ये देखिए। और इस तरीके से हथेली की मदद से आप मसल के इस लोई को बनाएंगे, और इस तरीके से ये अंगूठे और उंगली के बीच में से निकाल देंगे, जो कि अच्छे से दोनों तरफ से चिकनी बन जाएगी, क्योंकि फटी फटी नहीं रहेगी। और देखिए, सारी लोइयाँ मैंने बना ली हैं। तो चलिए, देखिए तवा भी गर्म हो गया है, हमें तवा ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल कम गैस पे गर्म किया है तवा मैंने, और गैस बिल्कुल कम ही रखी है। और देखिए, ये ले ली लोई, लोई को देखिए मैं ऐसे हाथों से दबा दबा के इसको कुलचा बना लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैंने हल्का सा लगा लिया पानी, आप चाहें तेल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। और ये मेरे पास वाइट वाले जो तिल थे ना, वो डाल दिए हैं, और अगर आप ब्लैक वाले डालना चाहो तो ब्लैक वाले डाल सकते हो। और ये डाल दिए, थोड़ी सी मैंने इस पर धनिया लगा दिया है। और ये देखिए, अब मैंने ढक्कन ढक के पका देती हूँ इसको लगभग से 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद मैंने पलट के देखा है इसको, और फिर से मैंने ढक्कन लगा के पका देती हूँ। तब तक मैं एक और बना लेती हूँ कुलचा, ये देखिए इस तरीके से। और इस पर भी मैं वैसे ही लगा लेती हूँ तिल और हरा धनिया, देखिए इस तरीके से। तो चलिए, जब तक कुलचा हमारा पक चुका होगा उसको देख लेती हूँ मैं, ये देखिए, ये देखिए, देखिए बहुत ही अच्छा कुलचा सिक के तैयार हो गया है। तो चलिए, इसको हटा देती हूँ, निकाल लेती हूँ प्लेट में, और मैं दूसरा कुलचा भी देखिए सेक लेती हूँ, ये देखिए। ऐसे ही ढक्कन ढक दिया है मैंने कुलचे पे, लगभग सेम टाइम के बाद, लगभग 30 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा से पलट दिया है। और ये देखिए, एक बार और देख लेती हूँ, बिल्कुल कम गैस पे सेक रही हूँ मैं ये, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा कुलचा सिक गया है। चलो, इसको भी अच्छे से सेक लेती हूँ, और इसको देखिए पलट पलट करके सेक लिया है कुलचे को। तो चलिए, देखिए कुलचे देखिए सारे बनके तैयार हो गए हैं, और ये देखिए गर्मा गर्म कुलचे,
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए मैं आपको ये एक कुलचा तोड़ के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जो है कुलचा अंदर से एकदम सॉफ्ट होना चाहिए हमारा। देखिए बहुत ही सॉफ्ट कुलचा बना है, और ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसे।